हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बेबी बॉय के स्वेटर का मेजरमेंट जो ये कार्डिगन मैंने बनाया है उसका मेजरमेंट मैं आपको देने जा रही हूं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं ये मैंने बहुत इजी वे में बनाया है और इसकी कुछ पार्ट्स की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बहुत ईजी है इसको बनाना और ये मैंने डबल वूल पे बनाया है वर्धमान की वूल है ब्लू बेल के नाम से आती है वो मैंने इसमें डाला है ब्लू और ग्रे कलर तो ये बेबी बॉय का है आप आ, किसी के लिए भी बना सकते हैं बस आपको फंदों का कम और ज्यादा रखना पड़ेगा और ये जो है आपका दो से तीन साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला है कि कैसे मैंने इसको बनाया है और उसमें मैंने और भी स्टेप डाले हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं तो इसमें मैं बताने जा रही हूं कि कैसे इसको बना सकते हैं आप मेजरमेंट चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है और अपने हिसाब से अगर आपको डिजाइन डालना है तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट इसको करना पड़ेगा कि कैसे आप बनाएंगे अगर डिजाइन टाइट होता है तो फंदे आपको थोड़ा सा ज्यादा रखने पड़ेंगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं उसके लिए आप आ, मेरे चैनल पर फंदों का वीडियो है किस तरीके से फंदे एडजस्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं तो चलिए इसका मैं शुरू करती हूँ कैसे इसको बनाया है तो बैक पार्ट जो है इसका ये देखिए ओपन कार्डिगन है तो जो फ्रंट साइड है वो दो आएंगे एक साइड इस साइड और एक इस साइड तो जो इसका बैक uh, साइड है इस पे मैंने 66 फंदे बॉर्डर पे डाले हैं और मैंने इसका जो बैक का बैक uh, का ये सारे जो बॉर्डर हैं इसके ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाए हैं uh, मैंने डबल किया है उ, उनको दो गोले साथ में चलाए हैं दोनों के ब्लू के भी और ग्रे के भी तो ग्रे कलर से इसका ये बनाया है और आप चाहे तो सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं उसके बाद मैंने 10 नंबर से बनाया है इसका बॉर्डर क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा स्वेटर चाहिए था अगर आपको पतला चाहिए तो आप 9 नंबर से भी बना सकते हैं उसके बाद ये मैंने दो इंच का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद इसमें दो फंदे बढ़ाए हैं सिर्फ दो फंदे 68 टोटल हैं बैक साइड में और फिर मैंने चार चार सलाइयां डाली हैं सीधी उल्टी चार सिलाई ये ब्लू वाली चार सिलाई ग्रे वाली तो इसको मैंने यहां तक बनाती हुई गई हूं अब लंबाई आप पहले जिसके लिए बना रहे हैं उसपे भी नाप के देख सकते हैं आम होल तक ये लंबाई कितनी है तो मैंने इसको करीब 11 इंच बनाया है 10 या 11 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है मैं आपको मेजर करके एक बार दिखा देती हूँ तो ये देखिये यहां से मैंने इसको नापा है और इसकी जो लंबाई है आम होल तक की वो साढ़े दस इंच है मैंने ग्यारह इंच रखा था क्योंकि वो आधा सिलने में कम हो जाता है तो ग्यारह इंच इसकी टोटल मैंने लंबाई रखी थी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और उसके बाद आम होल की कटिंग मैंने तीन दो एक इस तरीके से आम होल की कटिंग की है बैक साइड में दोनों साइड में होती है और फ्रंट साइड में एक एक साइड होती है तो मैं बैक साइड की बात कर रही हूं तो सॉरी तीन दो एक करके मैंने तीन दो एक फंदे कम किए हैं टोटल छ और छह दोनों साइड में छह फंदे और उसके बाद मैंने इसको फिर छ इंच बनाया है ऊपर तक शोल्डर तक इसको छ इंच बनाया और एक ही लाइन में मैंने इसके शोल्डर के फंदे छोड़ के बीच के सारे फंदे बंद कर दिए सोलह फंदे मैंने शोल्डर पर रखे हैं जो कंधे हैं इसके सोलह इस साइड और सोलह उस साइड तो दोनों साइड के सोलह सोलह फंदे छोड़ के ये सारे बीच के फंदे गले के लिए बंद कर दिए थे और उसके बाद उसको छोड़ दिया उसके बाद फ्रंट साइड के लिए वैसे तो हम आधा रखते हैं जितना हमने बैक में रखा है उसका आधा हम फ्रंट में रखते हैं ओपन कार्डिगन में इसमें मैंने थर्टी टू फंदे रखे हैं यहां पर नीचे थर्टी टू रखे हैं अब यहां पे हमने बटन पट्टी भी डाली है तो थर्टी टू प्लस सेवन फंदे बत्तीस और सात फंदे यहाँ पे रखे हैं और ये सात फंदे तो ऊपर तक ऐसे ही रहेंगे सात ही रखे हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने दो फंदे इस साइड पे बढ़ाए हैं तो uh, 32 टू प्लस टू थर्टी फोर फंदे और सेम जो दूसरी साइड है वो भी बनेगी अब जो इसकी लेफ्ट uh, साइड है उस पर मैंने बटन होल डाले हैं और राइट right साइड पे इसके बटन हैं तो इस तरीके से पूरा बनाया और वैसे इसकी 11 इंच बनाने के बाद इसको तीन दो एक करके दोनों साइड से कटिंग की और फिर आ, मैंने इसको करीब चार इंच बनाया है क्योंकि मुझे गला थोड़ा ऊपर चाहिए था और चार इंच बनाने के बाद इसीलिए पहले बैक साइड बनाते हैं ताकि हमें लंबाई का अंदाजा आ जाए हमें गले की कटिंग कहाँ पे करनी है तो ये आ, चार इंच बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सोलह सोलह फंदे तो मुझे शोल्डर पे चाहिए थे उसके अलावा मेरे पास जितने फंदे बचे बारह फंदे बचे होंगे तो उसको मैंने डिवाइड करके घटा दिया गले के लिए घटाना था तो मैंने पांच तीन दो एक और एक इस तरीके से घटाया है पहली लाइन में पांच फिर तीन फिर दो फिर एक और एक तो टोटल जो इसकी कटिंग है वो पांच लाइन में पूरी की है मैंने दोनों साइड की कटिंग एक जैसी होगी बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक साइड में आप उल्टी साइड में करते हैं एक साइड में सीधी साइड में करते हैं और ऊपर तक बनाती हुई हुई फिर जब कटिंग खत्म हो गई तो इसको पूरी लंबाई करने के लिए छः इंच तक बनाया यहाँ तक और उसके बाद बैक साइड से कंधे जोड़ दिए इसके और उसके बाद यहाँ पे जो फंदे हैं ये टोटल फिफ्टी सिक्स फंदे हैं इसके गले पे गले पे मैंने फिफ्टी सिक्स फंदे उठाए हैं एक सीधे एक उल्टे का गला बनाया हुआ है जैसे बॉर्डर है और इसको बंद कर दिया ज़्यादा बड़ा मैंने चौड़ा नहीं रखा है ये इतना ही रखा है इस तरीके से इसका बैग और फ्रंट बना हुआ है और जो बाजू है इसपे मैंने बाजू पे थर्टी फोर फंदे यहाँ पे डाले हैं आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से जैसे मैंने बताया है डाल सकते हैं और फिर हर पांचवी लाइन के बाद मैंने इसमें फंदा बढ़ाया है हर पांचवी लाइन के बाद उल्टी साइड में फंदा बढ़ाया है तो एक एक दो दो फंदे बढ़ेंगे आपके पांच-पांच लाइन के बाद और जो बाजू की लंबाई है वो मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ बाजू की लंबाई कितनी है जो टोटल इसकी लंबाई है टोटल लंबाई बाजू की साढ़े दस इंच है और जो आम होल तक है आम होल घटाने के बाद मैंने इसको पूरा एक साथ बंद कर दिया था तो आपको दस इंच बनाना है उसके बाद तीन दो एक आम होल की कटिंग करनी है और अगर आपकी लंबाई पूरी नहीं होती तो आप आगे सीधा इसको प्लेन प्लेन बना सकते हैं नहीं तो आप पूरे फंदे एक साथ बंद कर सकते हैं जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ इस तरीके से आपको करना है तो ये बाजू बना हुआ है इस तरीके से और बाजू पे जो टोटल फंदे थे मेरे ऊपर जाके वो 52 या 54 के आसपास टोटल फंदे ये हो रहे हैं तो जब आप बाजू की लंबाई पूरी होती जाती है तो फंदे भी बढ़ते जाते हैं तो आपको उस हिसाब से अपना देखना है कि बाजू ज्यादा चौड़ा ना हो जाए तो दोनों बाजू एक जैसे बनेंगे उसके बाद इसमें ये बटन लगाए हैं और ये सिल दिया इसको आपस में पूरे जो पार्ट्स हैं उनको आपस में सिल दिया तो इस तरीके से बना हुआ है और इसका जो साइज का मेजरमेंट है वो एकदम सही है आप चाहें तो प्लेन अगर आपको बनाना है जैसे बिगनर्स होते हैं वो बहुत इजीली ऐसे बना सकते हैं और जो बटन पट्टी है वो मैंने बॉर्डर की तरह ही रखी है एक सीधे एक उल्टे की बटन पट्टी है इस तरीके से तो ये बहुत ही इजी है इसको बनाना मैंने बहुत इजी वे में बताया है मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बच्चों के स्वेटर के लिए ओपन कार्डिगन के लिए तो ये है दो से तीन साल अब अगर आपको थोड़ा बड़े के लिए बनाना है तो आप फंदे थोड़ा सा हर जगह पे फंदे ज्यादा रख सकते हैं जैसे बैक साइड में और फ्रंट साइड में या फिर बाजू पे गले पे आपके फंदे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे और इससे छोटे के लिए बनाना है तो फंदे कम हो जाएंगे तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट करके बना सकते हैं तो इस तरीके से बनाइए और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर